हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश ग्रामर से आपको दो नंबर का पक्का करने वाला क्वेश्चन, यानी कि बोर्ड में जो 100 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आपको दो नंबर क्लियर करने वाला इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सिंटैक्स के, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में सम्मिलित किया है। यानी कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यही एक क्वेश्चन है, इसी को कई साल रिपीट किया जा रहा है, वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सेलेक्ट किया हूँ। यानी कि ये क्वेश्चन कुछ दम है तभी तो ये बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को आप जरूर को पढ़ लेना चाहिए, यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। तो आइए फटाफट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को आपको, यानी सिंटैक्स है, सिंटैक्स उसे देखने में आपको लगेगा कि इसमें कोई गलती नहीं इस वाक्य में। जैसे आपको देखने में लग रहा होगा कि नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यानी कि एक विश्वविद्यालय का छात्र है नितिन, तो आपको लग रहा है कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन इसमें गलती है फ्रेंड्स। इसी गलती को इसमें सिद्ध करके आपको लिखना होता है, जिसके लिए आपको दो नंबर मिलता है। यानी कि फ्रेंड्स, इसमें एक दो क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए आपको दो नंबर, यानी एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर मिलेगा। तो आइए फटाफट देखते हैं इसमें गलती क्या फ्रेंड। गलती है फ्रेंड्स कि नितिन इज, यानी कि आपको पहले ध्यान से वाक्य को पढ़ना है, यानी गलती क्या हो सकती है। इज आप जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एन ही गलती है। क्यों गलती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जानते हैं कि इसका वाबिल जो है यू से शुरू हो रहा है, तो यानी कि यू जो है, भले से इंग्लिश में आपको लगे कि ये यू है, वाबिल तो यहाँ एन लगेगा, लेकिन क्या गलती है कि यहाँ पे यू से, यानी कि हिंदी वाबिल से देखा जाता है कि यहाँ पे एन लगेगा कि ए लगेगा। इसके लिए मैं वीडियो बना रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं जाकर के। फिलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें गलती क्या, मैं आपको फटाफट बताते चलूंगा। तो यहाँ पे देखिए, नितिन इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे ए लगाना, बस छोटी छोटी गलतियाँ रहेंगी उसी के लिए आपको एक नंबर मिल जाएंगे बहुत ही कम समय में। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देख लीजिए और कोई ना क्वेश्चन जरूर फंसेगा, 99% गारंटी है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिपिन इज राहुल्स ओल्डेस्ट ब्रदर, यानी कि देख लीजिए आप इसमें गलती क्या है। इसमें गलती को आपको मैं बता देता हूँ, देखिए मैं आपको लिख के भी बता रहा हूँ। विपिन इज राहुल्स एल्डेस्ट, यानी कि फ्रेंड्स देखिए राहुल का तो एक ही ब्रदर है यहाँ पे, यानी कि कई, जैसे मान लीजिए क्लास के कई छात्रों में जो विपिन है बहुत ही पढ़ने में बहुत तेज है या बहुत ही लंबा है, तो क्लास के कई छात्रों समूह में बताया जाता है तो ओल्डेस्ट लगता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ उसके भाई से ही कंपेरिजन किया जा रहा है। तो कंपेरिजन करने के लिए यहाँ पे सिर्फ एल्डर का प्रयोग, एल्डेस्ट का प्रयोग, यानी कि दो ही के लोगों के लिए यहाँ मतलब बड़े छोटे के लिए किया जा रहा है, तो ये चीज एल्डेस्ट लग जाएगा यहाँ पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि ही डाइड फ्रॉम फीवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको लगता होगा कि बहुत ही सिंपल, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसमें क्या लगता है, यानी कि कोई भी बीमारी, मलेरिया, टीबी, ये सब के लिए ऑफ का प्रयोग होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑफ का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑफ का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। लेकिन भले से आपको लगेगा कि वह बुखार से मर गया, ठीक है, लेकिन क्या रहेगा यहाँ पे, वह बुखार से मरा, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होता है, यानी कि नियम है फ्रेंड्स कि ऑफ का प्रयोग यहाँ पे लगता है, यानी किसी भी बुखार बीमारी के लिए। तो आपको मैं अगला बताता हूँ, सी हैव डन इट, यानी कि वह इसे कर चुकी थी, वह इसे कर चुकी है। तो इसको हम लोग बनाएंगे फ्रेंड्स, आप देखे होंगे कि जैसे देखिए यहाँ पे सी है, सी एक बचन है, ठीक है, और यहाँ पे एक बचन ये भी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुवचन, इसीलिए यही गलती है फ्रेंड्स। देखिए इस प्रकार वाक्य हो जाएगा कि सी हैज डन इट, इस प्रकार वाक्य हो गया। और हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नाइदर ऑफ देम वेयर देयर, यानी कि ये क्वेश्चन इसमें आपको क्या लगेगा, यानी कि आपको मैं बता दूं कि नियम है कि नाइदर, आइदर आर या बट वनली, बट आल्सो, ये सबका जो प्रयोग होता है उसमें भले से आपको लगे कि यह बहुवचन, यानी कि यहाँ पे देम लग गया तो आप सोचेंगे कि बहुवचन है, लेकिन ये हमेशा इसके नाइदर या आइदर आर, नाइदर आर, इस सब के लिए क्या लगता है, हमेशा एक वचन लगे, चाहे यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट में, सबके लिए यहाँ पे इज का ही, यानी कि यहाँ पे तो वाज का प्रयोग होगा फ्रेंड्स, वाज का, और यहाँ पे आर होता है तब भी यहाँ पे इज का प्रयोग, यानी कि बस छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, उन्हीं गलतियों के लिए आपको सुधार करके लिख दीजिए, आप एक नंबर दो नंबर आपका कंप्लीट रहेगा। यही आपको ध्यान से देख लीजिए, आपको जरूर इसमें क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो वन शुड नॉट बूस्ट ऑफ हिज वेल्थ, यानी कि इसमें क्या हो कि आपको फ्रेंड्स इसमें गलती क्या लग रही हो, यानी कि हमेशा जो अगर वर्ब जो, यानी कि सॉरी फ्रेंड्स, यदि सब्जेक्ट जो है, यानी कि सब्जेक्ट फ्रेंड्स, सब्जेक्ट यदि वन से शुरू हो तो इसके लिए क्या लगता है, वन से लगता है, ये आप याद कर लीजिए, वन से लगता है, यानी कि ये नियम भी मैं आपको साथ में बताता चलता हूँ। तो वन शुड नॉट बूस्ट ऑफ वंस वेल्थ, ये हो गया हमारा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं आपको पेज पलट के दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम मंडे, यानी कि मंडे को आपका एग्जाम शुरू होगा। तो
तो इसका आपको बताना है, तो इसको आप बता दीजिए कि योर एग्जामिनेशन विल बिगिन, यानी कि फ्रॉम, फ्रॉम उसके बाद फ्रेंड से यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगाया जाए, यानी कि मंडे से शुरू होगा, लेकिन जो समय के लिए फ्रेंड्स होता है, यानी कि यदि कोई समय दे दिया, यानी कि यहाँ पे ईयर से दे दे या आपको तारीख कोई दे दे, तो उसके लिए बाई का प्रयोग होता है, यानी कि समय के लिए, छोटे छोटे समय के लिए बाई का प्रयोग होता है जी। ठीक है, यही चीज़ इसमें आपको गड़बड़ी लगेगा, आपको मतलब पढ़ने में उस तरह लगेगा कि हाँ मंडे से उसका एग्जाम शुरू होगा, लेकिन क्या करना है, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, उसी गलती को आपको सुधारना होता है। ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, तो इसको आपको इसमें क्या गलती लग रही है, यानी कि तो परफेक्ट तो आप में एक परफेक्ट है ही, यानी कि मान लीजिए वह किसी काम में परफेक्ट है, तो इसमें मोस्ट लगाने की क्या जरूरत है, यानी कि यही सब थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, गलतियां इसको आपको बताना है कि ही इज द परफेक्ट जेंटलमैन, यानी कि मोस्ट को हटा देना है आपको। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये आपको शुरू थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको फिलहाल ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको जरूर आप पढ़ के जाइएगा। ही यू एंड आई आर फ्रेंड, यानी कि देखिए लग रहा है कि वह तुम और मैं फ्रेंड हैं, लेकिन इसमें एक क्रम होता है 231 का। जी हाँ दोस्तों, 231 का एक क्रम होता है, दो का मतलब कि सेकंड फॉर्म पहले रहेगा, फिर थर्ड फॉर्म दूसरे नंबर पे, फर्स्ट फॉर्म जो है तीसरे नंबर पे रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पे इसको शुद्ध करके लिखेंगे, यू जो है पहले आएगा, फिर आएगा थर्ड फॉर्म, फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म, तो इसके प्रकार ये हो गया। और हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको इसको क्या करना है चेंज, कि यहाँ पे यानी कि सूर्य चंद्रमा या ग्रह के सामने जो है दा का प्रयोग किया जाता है, तो इसे यहाँ पे ग्रह दा का प्रयोग कर देंगे। और आप जानते हैं कि दिशाओं के पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है, तो आपको दा का प्रयोग यहाँ पे कर देना है, यही चीज़ें गलतियाँ। और एक क्वेश्चन मैं आपको लिए आपके लिए दे रहा हूँ, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जैसे कमेंट करके बता देना है, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यानी कि ये चीज़ें आपको मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका सिंटैक्स कैसे बनेगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। यदि आपको और भी कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पहले ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सिंटैक्स, सिंटैक्स तो हो ही गया फ्रेंड्स, सिंथीज, फ्रेंड्स सिंथीज और पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिंथीज और फ्रेंड्स जो है मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन चीज़ों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप फटाफट एक बार फिर से देख सकते हैं।